हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं बना रही हूँ नान खटाई। नान खटाई कैसे बनाते हैं, इसकी फुल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है पहले से, जो कि आई बटन पर आप देख सकते हैं, पर आज मैं आप लोगों को लाइव बना के बता रही हूँ। तो चलो चलते हैं किचन में। तो सोचा पहले आपको मैं मेरा हाउस टूर करवा दूँ, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल घर के गेट से। ये है मेरा घर। अभी ये पौधों की वजह से थोड़ा उधर का नहीं दिख रहा है। ये है मेरा घर, हमने बाहर गार्डन लगा रखा है। इसमें ये लगे हैं अमरूद, जामफल, और उधर लगा है नींबू, और यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, पपीते के हैं, मिर्ची टमाटर लगा रखे हैं। एक छोटा सा गार्डन यहाँ पे भी है। ये हमारी दादी जी पूजा कर रहे हैं, तुलसी का कुंडल बना हुआ है, तुलसी है, और छोटे छोटे पौधे वगैरह लगे हुए हैं। ये है छोटा सा गार्डन, ये है घर। वैसे मेन एंट्री यहाँ की है, पर इस गेट को हम जनरली क्लोज रखते हैं, क्योंकि यहाँ से गार्डन से कई बार कीड़े वगैरह अंदर आ जाते हैं। ये है हमारी न्यू कार, ये अभी ली थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। केयूवी, महिंद्रा केयूवी। ये मेरे बच्चों की साइकिल, दोनों बच्चियों की साइकिल। अब ये है एंट्रेंस का है, ये है लॉबी। अभी हमारे घर में ना डेकोरेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये सब चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ये है लॉबी, यहाँ से सभी कमरों के द्वार खुलते हैं। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम कह सकते हैं इसे। यहाँ पे भी बच्चों के टॉयज रखे हैं, और कुछ अभी मैं बाहर से आई हूँ ना, पियर से आई हूँ, तो कुछ बैग वगैरह फैले हुए हैं। तो ये है ड्राइंग रूम, ये फर्नीचर अभी करवाया था, अभी बनवाया था। अब यहाँ से ये यहाँ पर भी देखो, इधर भी फर्नीचर हो रहा है ड्राइंग रूम की एक वॉल पर भी। अब चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था मेरे घर का, पहले की वीडियो में, हम भोग लगाते हैं डेली। ये है एक और रूम, ये है पापा मम्मी का रूम। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेड भी लगा है, ये बच्चे खेल रहे हैं इधर। ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, हमारे छत पे जाती हैं, और छत से नीचे भी आती है। यहाँ पर रखे हैं मटके। यहाँ पर मटके रखने का रीज़न ये है कि चलते फिरते पानी पी लिया जाए। यहाँ पर है वॉशरूम, बेसिन, और ये यहीं पर रेडी होने का। ये है मेरा किचन, अभी खाना बन रहा है, मॉर्निंग टाइम है, खाना बन रहा है। तो ये नान खटाई की जो मैंने तैयारी कर रखी है, ये है बेसन, आटा, शक्कर, इलायची, नमक, और इसको मैं गूंदूंगी इस घी से। ये है मेरा किचन, जहाँ पर मैं मोस्टली अपना समय बिताती हूँ। यहाँ पर मटकी रखी है। अब चलते हैं मेरे रूम की ओर। ये है मेरा रूम। अभी ये दीवार जो है यहाँ से फट गई थी, तो इसको रिपेयर करवाया है। अब इस पर पेंटिंग वगैरह होगी। यहाँ बीच में मेरी शादी का फ़ोटो लगा हुआ था, पर यहाँ पर ये देखो आप, जैसे स्पॉट बन गया है। यहाँ पर ऊदी आ रही थी, मतलब दीमक वगैरह आ रही थी, तो उसको अभी हटा दिया है। ये मेरे दो टेडी मेरे भाई ने गिफ्ट किए थे मुझे। ये है मेरा रूम, ये मेरा कबर्ड, इसमें सारे सामान रखे हैं, टीवी है। एक झलक दिखा देती हूँ आपको, इसमें है मेरी साड़ियाँ, यहाँ है, यहाँ है, नीचे वाले पोर्शन में भी है, इस पोर्शन में भी है, ऊपर भी रखी है कुछ साड़ियाँ। तो ये है मेरा रूम। चौक है, और यहाँ पर है एक राज, मतलब ये है हमारा कुआ। जी हाँ, हमारे घर में ही कुआ है। तो ये है चौक, यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, मोस्टली यहाँ पर नहा भी लेते हैं। तो ये खुला एरिया दिया हुआ है। ये हमारे घर की सारी दीवारें वगैरह ना फट गई थी, तो इसकी अभी रिपेयरिंग करवाई है। अब चलते हैं स्टोर रूम में। तो ये है लॉबी, मेरे रूम से बाहर निकल के ये लॉबी, मतलब हर कमरे का बाहर आते हैं लॉबी से। ये LED, ये मेरे दादाजी जो अभी कुछ समय पहले शांत हो गए। ये हमारा LED, ब्रांड न्यू LED। ये है स्टोर रूम। स्टोर रूम में हमने बेड वगैरह भी लगा रखा है, ताकि अगर कभी बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो यहीं पे करते हैं।
और मैं आपको एक मैंने ब्लॉग में मेरे भाई की कलाकारी बताई थी, तो ये भी मेरे भाई की कलाकारी है। ये उसने पेंटिंग बनाई थी बिना किसी रफ फर्मे के, बिना किसी पेंसिल वगैरह के स्केच के, डायरेक्ट ब्रश से इस पेंटिंग को बनाया था। ये उसकी पेंट बहुत बेस्ट पेंटिंग है, मैंने आपको दिखाई थी। उसकी और भी पेंटिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर मैं लिंक दूंगी। एक पेंटिंग यहाँ भी है उसकी। पहले ये मेरा रूम था, शादी होके आई थी जब यही मेरा रूम था, पर फिर बाद में हमने रूम चेंज कर लिया। यहाँ पर माइक्रोवेव रखा है, किचन में रखने की जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे रख दिया। ये मेरे बच्चे हैं, ये मस्ती करते हैं। हमने यहाँ पे इनके लिए झूला भी बना रखा है बच्चों के लिए। पूरे घर को बच्चों के हिसाब से कर रखा है, चाइल्ड प्रूफ घर, इसलिए कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, ताकि बच्चे आसानी से खेल सके। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये हो गया हाउस टूर। अब मैं बनाती हूँ नान खटाई, फिर कैसी बनती है ये आपको दिखाऊंगी। अब मैं वीडियो, ये जो कैमरा है ये मेरे दीदी के हैंडओवर कर रही हूँ, तो ये ले जा रहे हैं छत पे आपको, क्योंकि मैं नीचे नान खटाई बना रही हूँ। देखो ये हमारा व्यू। ये रही नान खटाई, इसका मैंने शेप बना लिया है। इन पे थोड़ी सी शक्कर स्प्रिंकल कर दी है। अब मैं इनको रख रही हूँ माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव को मैंने पहले प्रीहीट किया है 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको रख रही हूँ लगभग, पहले तो सिर्फ 10 मिनट के लिए रखूँगी, पहले रख देती हूँ मैं, फिर बात करती हूँ। मैंने माइक्रोवेव में रख दी है, 10 मिनट के लिए रखी है 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब ये जब बन जाती है तब मिलते हैं। तो ये बन गई है मेरी नान खटाई। देखो आप कितना गजब का कलर आया है इसमें। ऊपर जो हमने शक्कर मैंने स्प्रिंकल करी थी वो कितनी गजब टेक्सचर दे रही है। तो ऐसे बनाई मैंने नान खटाई, आपके साथ में मैंने पूरी शेयर करी थी इसकी रेसिपी। तो ये है मेरा घर, कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और क्या मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने घर में, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप मेरे साथ में ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया है, इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए ब्लॉग, ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, हेयर केयर टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।